सभी लोग लगभग अब आराम कर रहे हैं। भाई ये है तेजस भुवनेश्वर जनरल का कंडीशन देखिए दोस्तों, ये हाल है अपने इस काल का। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए रेल सफर में। मैं स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का संगम नगरी प्रयागराज से। आज की जर्नी हमारी होने वाली है दोस्तों हावड़ा से कालका के बीच में चलने वाली नेताजी एक्सप्रेस में। अपनी ट्रेन दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आ रही है, तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक। ये आ रही है WAP 7 के साथ, जो कि है तुगलकाबाद सेट का। देखिए अपनी भारतीय रेलवे की काफी पॉपुलर लोकोमोटिव कालका मेल एक्सप्रेस के साथ। देखिए कोच काफी पुरानी है, 2004 का है ये वाली। जरूर इसको ICF से LHB कर देना चाहिए। यहाँ से ये ट्रेन मैनेजर बाबू हमें लेके जाएंगे। ये है जनरल कोच इसका, नेताजी एक्सप्रेस। जनरल का कंडीशन देखिए दोस्तों, ये हाल है अपने इस कालका। चलिए कालका शिमला अपनी चल चुकी है नेताजी एक्सप्रेस, हम भी चढ़ते हैं नहीं तो हो जाएंगे किसी न किसी से छूट। चलिए निकलते हैं हम लोग प्रयागराज जंक्शन से और आगे की जर्नी हम आपको कराते हैं कालका तक की। ये है प्रयागराज का प्लेटफॉर्म नंबर एक। ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज से, हमारे आगे आगे चल रही है संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। उसका ज्यादा स्टॉप है, हो सकता है हम उसे ओवरटेक करेंगे। और इधर देखिए लोकोमोटिव का भाई अड्डा बना हुआ है, इधर गाजियाबाद का है और भी बहुत सारे जगह का है, P5 P7। और आपको एक बात बता दे तो ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर जो 6 का एरिया है ना, वो एकदम अलग है भाई, 6 एकदम अलग बनाया गया है। बताओ कहाँ से आ रहे हो आप? प्लेटफॉर्म खत्म हो जाते हैं उसके से। तो इसमें भीड़ था भगुआ पे, वैसे भीड़ तो हम अभी भी दिखा रहे दोस्तों, तो अभी भी काफी भीड़ है इसमें। भगुआ पड़ता है रोड। अच्छा अच्छा, चलिए ये कहाँ वैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सोनीपत तक की इनकी यात्रा है भाई। ऐसे ही यही गेट पे बैठे बैठे हो सकता है, या फिर सीट मिले तो कहीं जाके बैठ सकते हैं। सीट अभी इनको मिला भी नहीं। क्या नाम है वैसे आपका? सुनील भाई अपने साथ ही जर्नी करेंगे, आज की जर्नी हमारी इनके साथ ही हो रही है वैसे कालका एक्सप्रेस में। और ये हमारे नेताजी एक्सप्रेस का अंदर का कंडीशन है दोस्तों, स्लीपर माफ कीजिएगा जनरल का दूसरा कोच का। हम तो फिलहाल SLR में ट्रेवल कर रहे हैं, एक स्टेशन हम बदल के इसमें आए थे अभी, तो ये हाल है। देखिए दोस्तों हमारे ट्रेन के जस्ट कालका शिमला के पीछे कोई ट्रेन खड़ी है, जो कि कुछ मीटर की दूरी पे ही है। आपको जूम करके दिखाते हैं, सेम ट्रैक पे ही है भाई, दिख रहा है आपको। तो ये हैवी ट्रैफिक है भाई नई दिल्ली वाली रूट पे। तो दोस्तों पहुंच रहे हम लोग फतेहपुर। फतेहपुर तो दोस्तों संगम नगरी से निकल के 117 किलोमीटर की जर्नी कवर के अब हमारी ट्रेन जो आ चुकी है फतेहपुर। फतेहपुर दोस्तों ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है FTP। और ये रही अपनी कालका एक्सप्रेस नेताजी यानी कि, और यहाँ से भी कुछ है पैसेंजर जो चढ़ने वाले। ट्रेन खाली बिल्कुल नहीं हुए, ये कह लीजिए थोड़ी सी और भर गई है। इसके बाद दोस्तों हमारे ट्रेन का जो है नेक्स्ट स्टॉप कानपुर सेंट्रल होने वाली है, जो कि यहाँ से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पे है। और प्रयागराज से कानपुर के बीच में ये एक मेजर रेलवे स्टेशन। तो चलिए दोस्तों हमारे इस नेताजी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है इस फतेहपुर रेलवे स्टेशन से। वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रहे, 3 नंबर का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 3 प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ से। यहाँ है दोस्तों मेन रेलवे स्टेशन, वैसे हम लोग काफी पीछे की ओर रुके हुए थे।
कौन सी ट्रेन ओवरटेक करी आपको बताते हैं। वैसे ज्यादा उम्मीद है कि ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, लेकिन ये आईसीएफ के साथ है दोस्तों। नहीं, ये है टाटा नगर एक्सप्रेस, जम्मू तवी टाटा नगर। मोबाइल खींचने के लिए किसी का खड़े हैं। और दोस्तों कानपुर से निकलते ही इस ट्रेन को हो चुका है चैन पुलिंग। और ये है कौन सी ट्रेन आपको बताएं? तो ये है सिक्किम महानंदा, महागंदा है ये ट्रेन, कहते हैं सब लोग यूट्यूबर, क्योंकि हमने इसमें अभी तक जर्नी तो नहीं किया। अगर हम कभी करेंगे तो हम भी आपको रिव्यू बताएंगे। साफ सफाई कैसी ट्रेन की, ये बोले सोचते हो। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल पहुंच रही है, और ये सामने देखे आप लोग महानंदा, इसका हो चुका है चैन पुलिंग। दोस्तों प्रयागराज संगम नगरी से निकल के अब हम लोग आ चुके हैं इंडस्ट्रियल सिटी यानी कि कानपुर सेंट्रल। ये रही हमारी कालका नेताजी एक्सप्रेस, और ये प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन खड़ी आगे की ओर से, हम लोग इधर ही आगे, भीड़ था इसलिए प्लेटफॉर्म उस साइड है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, तो देखिए कितना ज्यादा भीड़ है हमारी ट्रेन में। कानपुर दोस्तों काफी बड़ा और काफी पुराना रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे है 10 प्लेटफॉर्म, और हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। स्टेशन कोड है दोस्तों CNB। वैसे पूरा इंडिया में 5 सेंट्रल है, जिसमें से अपनी कानपुर सेंट्रल भी आती है। हम इसी SLR में बैठे हैं भाई, और चलते हैं जल्दी वहीं पे, क्योंकि भाई हम लोग अपोजिट साइड से उतरे हैं। और देखिए किसी डीजल वाले में अगर भरना होता है तेल वगैरह, तो यहाँ से भरा जाता है। तो भाई हमारे ट्रेन में भी पानी भरा जा रहा है। तो ये कानपुर सेंट्रल से लिया समोसे, अब हम लोग निकल रहे कानपुर सेंट्रल से, इसे खाएंगे। और हमारी गाड़ी में भी पानी पूरा फुल हो चुका है, और प्लेटफॉर्म पे भी पैसेंजर काफी फुल है। चलिए इसको खाते हैं, मजा लेते, थोड़ा सा भूख को मिटाते अपने, और बाय बाय कानपुर सेंट्रल। प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं दोस्तों कितना भीड़ है। फिलहाल हमारी गाड़ी अब निकल रही है प्लेटफॉर्म पे, कानपुर से यहीं से विदा लेते हैं अब हम, और निकलते हैं आगे की स्टेशनों के लिए। तो इसको बाय बाय बोलते हैं। ये देखिए स्लम एरिया है कानपुर का, कान खराब। सामने देखिए कानपुर अनवरगंज है। अपनी गाड़ी दोस्तों पनकी धाम को स्किप कर रही है, देखिए पनकी धाम प्लेटफॉर्म से सट के स्किप कर रही है पनकी धाम को। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है दोस्तों फफुंद से निकल रही है, और ये फफुंद जो है अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। और देखिए वर्धमान में इसी तरह का एक टंकी था, पुराना टंकी था जो गिर गया था। देखिए कितना अच्छा लता मंगेशकर की तस्वीर बनाई गई है। देखिए कितने सारे सोलर पैनल लगा के बिजली की सेविंग की जा रही है नेचुरल तरीके से। आप लोग भी चाहे तो अपने घर पे एक पैनल लगा के दिन भर की बिजली बचा सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोक दिया गया है दोस्तों। इटावा से जस्ट पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जो कि है ये है एक दिल, देखिए एक दिल है,
और यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति हमें क्रॉस करने वाली है, जो कि सामने दिख रही है हल्की हल्की धुंध। अभी पास आने दीजिए तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए इटावा वाली कोई पैसेंजर आई है, देखिए कितने पैसेंजर, और उस पैसेंजर से देखिए, उस पैसेंजर से निकले हुए इतना सारे पैसेंजर भाई, वो इसलिए क्योंकि पूरे पैसेंजर उतर गया सर। और देखिए दोस्तों, वो जो सामने ट्रेन आप लोग को देख रहा है वो है गोमती एक्सप्रेस, जिसमें मैंने जर्नी किया हुआ है, और उसमें राजधानी गैंग लगभग 6 राजधानी हमें ओवरटेक करी थी। अगर आपको उसका वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं गोमती एक्सप्रेस, काफी जबरदस्त ट्रेन थी दोस्तों। तो भाई हमारी ट्रेन जो है अब सिकोहाबाद पहुंचने ही वाली थोड़ी देर में, लेकिन ये सिकोहाबाद से पहले देखिए हमारी कालका में कितना ज्यादा भीड़ हो चुकी है, लेकिन भाई उतरने वाले हैं सिकोहाबाद में। क्या नाम है भाई आपका? ऋषि यादव। ऋषि यादव, ऋषि यादव तो कहाँ उतरिएगा? सिकोहाबाद उतरे। चलो भाई लोकल बताइए कुछ सिकोहाबाद के बारे में। आज फिरोजाबाद उतर जाइए। नहीं नहीं, आज मैं उतर लू सिकोहाबाद यार। बताइए ना कुछ सिकोहाबाद के बारे में। क्या है सिकोहाबाद? अच्छी बात यार, बंद करिए इतनी बोले यार। बुराई कर दी भाई अपनी शहर के बाद। तो भाई हमारी ट्रेन देखिए अब सिकोहाबाद पहुँच गयी। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे सीमांचल हमें ओवरटेक कर देगा अब, अगर करता है तो मजा ही आ जाएगा भाई यहाँ पे भी। भाई दिल्ली जाने की अभी भी भीड़ मची हुई है, यहाँ पे काफी लोग हैं जो चढ़ने के लिए दिल्ली, इस ट्रेन में दिल्ली के लिए। तो हमारी ट्रेन जो है सिकोहाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी है, और हमें यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है सीमांचल एक्सप्रेस, जो कि जोगबनी से आ रही है और जाएगी दिल्ली, सॉरी आनंद विहार। हमारे नेताजी है जो दोस्तों अभी तक 2 घंटे 30 मिनट लेट हो चुका है, यानी कि 2.5 घंटा। चलिए दोनों तरफ से ट्रेन आने वाली है। तो भाई ये आ रही है राजधानी, और ये है सियालदह राजधानी। वही है सियालदह राजधानी। किलोमीटर की जर्नी कवर करके अपनी हावड़ा से आ चुकी है कालका मेल टुंडला जंक्शन। यहाँ देखिए टुंडला पे तुक्के भर के मात्र लोग उतरे हैं, और हम तो मात्र प्रयागराज से यहाँ तक यानी कि 436 किलोमीटर की लगभग जर्नी कवर की है। इसके बाद सीधा हमारे टुंडला के बाद सीधा अलीगढ़ हॉल्ट होने वाला है। यहाँ पे भी लोको बाबू हमारे मैनेजर बाबू चेंज हो रहे ट्रेन के। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, टुंडला जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है अपनी आगरा कैंट की। इतना दोस्तों 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी अपनी कालका हावड़ा मेल एक्सप्रेस यानी कि नेताजी एक्सप्रेस। कितनी बार बता चुका हूं नेताजी नेताजी। दोस्तों ये है हावड़ा राजधानी।
कि स्किप कर रही है टुंडला को। आ गई दोस्तों कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस। आपकी जगह दोस्तों ये लखनऊ नई दिल्ली की शताब्दी है। देखिए ये लखनऊ शताब्दी के बाद अब हम आपको दिखाते हैं एक उस साइड से जो है राजधानी भी निकल रही है। ये है अनुभूति कोच। देखिए दोस्तों इसका फेयर कुछ ज्यादा महंगा होता है। तो आपको दिखाते भाई ये है तेजस भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तेजस राजधानी। अरे बाप रे बाप क्या बेहतरीन ट्रेनें मिल रही है आज। तो चलिए दोस्तों शताब्दी राजधानी के बाद दो दो राजधानी के बाद निकलने के बाद अब हम निकल रहे हैं टुंडला से। तो ये देखिए कौन सी राजधानी है, ये है दोस्तों पटना राजधानी। चौथी राजधानी से मुलाकात हो गया। हमारी ट्रेन जो है अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुकी है। यहाँ पे हमारी जर्नी हो चुकी है प्रयागराज से 400 किलोमीटर उतरना भरा। चलिए दोस्तों अब निकलते हैं अलीगढ़ से। चल पाओगे नहीं चल पाओगे। और अब जल्दी ही इसका नाम अलीगढ़ से हरिगढ़ भी हो ही जाएगा जल्दी से जल्दी। ऑफिशियली तो हो चुका है भाई। पानी ले पानी ले। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली जंक्शन। और ये है दिल्ली का ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम एक लोग को और ज्वाइन करेंगे दोस्तों जो कि मकसूद भाई है। चलिए उनको दिखाते हैं, हम अपना खाना उन्हीं से मंगाए थे। ये देखो आ गया भाई एक ब्लॉगर हमारे साथ भी। फटाफट देखिए माल कितना तेजी से उतारा जा रहा है, इसीलिए 15 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे दोस्तों। वैसे अराइवल टाइम तो यहाँ पे 9:20 का ही है, लेकिन करीब करीब दोस्तों ये हो चुकी है 1.5 घंटे से ज्यादा लेट। तो चलिए दोस्तों डिपार्चर हो चुका है हमारा इस पुरानी दिल्ली से। और आप लोग समय देख लीजिए 11:53 हो चुके हैं। दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकल रहे हैं वैसे दोस्तों हम लोग, आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे भी 16 प्लेटफॉर्म है, नई दिल्ली पे भी 16 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के मामले में भी एकदम बराबर है वैसे, दोनों रेलवे स्टेशनों पे काफी भीड़ रहती है वैसे। दोस्तों अब दिल्ली से निकल चुके हैं और ये मकसूद से मंगाया था बिरयानी, चिकन बिरयानी है, इसी को खाएंगे फिर आराम करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे जो भी स्टेशन पे नींद खुलेगी। हो सकता है सीधे कालका पे खुले या फिर चंडीगढ़ या फिर पहले भी कहीं खुल सकती है, क्योंकि हमें आराम करना बहुत जरूरी। सुबह से ही गेट पे थे। देखिए दोस्तों सभी लोग लगभग अब आराम कर रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है ऊपर नीचे हर तरफ गेट के पास सभी लगभग सो ही रहे हैं। मकसूद भाई भी अपना इधर बैठ गया है, हरिशंकर भाई भी उधर अपना बैठ गया है, और हम भी अब सो रहे हैं। जैकेट भी अभी पहन लिया वैसे। तो दोस्तों रात के करीब आधी रात के 3:20 हो रहे हैं और हमारी गाड़ी जो है अब पहुंच चुकी है चंडीगढ़ और काफी ठंडी है दोस्तों। माफ कीजिए चंडीगढ़ नहीं, अम्बाला कैंट पहुंची है। अभी यहां से नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो है चंडीगढ़। और एक नींद मारने के बाद उठे भाई, ठंड अभी से लग रही है, कालका में क्या हाल होगा। और ये रही नेताजी एक्सप्रेस जो कि काफी खाली खाली हो चुकी है वैसे। तो चाय लिया है दोस्तों, थोड़ी सी अपने आप को गर्म करते हैं चाय के सहारे। तो फाइनली निकल गए हम लोग अम्बाला जंक्शन से। दोस्तों हमारी ट्रेन जो है चंडीगढ़ पहुंच चुकी है, चंडीगढ़ पे काफी सारे लोग यहां पे उतर चुके हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल्ट यानी कि चंडीगढ़। यहां से मात्र 20 किलोमीटर की और जर्नी रह जाती है अपनी कालका तक की। और यहां पे काफी देर के लिए हॉल्ट दिया गया, क्योंकि यहां पे होता है अपने
कोच में से कुछ कोच को काट के हटाया जाता है, जो कि अब काम शुरू हो चुका है। इधर देखिए आप लोग, और इधर देखिए काफी सारे नए ब्रांड न्यू महिंद्रा की स्कॉर्पियो और थार, उधर थार खड़ी है। दोस्तों अपनी जो चंडीगढ़ है ना, वो बसाया गया बहुत ही एडवांस शहर है, और दो राज्यों की राजधानी है जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। और यहाँ पे 50 मिनट का हॉल्ट इसलिए दिया गया है, मुझे वेपर निकल रहा है देखिए आप लोग, 50 मिनट का हॉल्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारे ट्रेन के पीछे से कुछ बोगियां काट के हटा दी जाएंगी, वो नहीं जाएगा कालका, और यहाँ से थोड़ी देर आगे के लिए जाएगा, वो बोगी कटेंगी फिर ये ट्रेन वापस आएगा। तो हम प्लेटफॉर्म पे रह के आपको दिखाएंगे। बाकी अब इस जनरल का कंडीशन देख चुके हैं, काफी खाली भी हो चुका भाई, लेकिन गंदगी बहुत मचा रखी है। अब आप देखिए निकलने के बाद कितना तेज कर दिया यार प्लेटफॉर्म पे ही, इतना तेज कर दिया यार कि मतलब कोई आम इंसान नहीं चढ़ पाएगा। देखिए 4:56 पे निकल रहे भाई, करीब 4 पहुंचे थे हम लोग। चंडीगढ़। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग पहुंच रहे हैं कालका जंक्शन, सॉरी कालका है ये, जंक्शन वंक्शन तो नहीं है। तो सभी पैसेंजर अब लगभग उतर रहे हैं हमारी इस कालका मेल एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों आपको बता दे तो ये शताब्दी का ऑटोमेटिक डोर है। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचाने में हमारी ट्रेन जो है 2.5 लेट कर चुकी है। आप देखिए ये कालका शताब्दी निकलने का टाइम हो गया। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को ये नेताजी एक्सप्रेस का जर्नी प्रयागराज से इस कालका तक काफी पसंद आएगा, अच्छा लगा, देखना जरूर के लिए फिर मिलते किसी नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।